नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामी नारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर, धोरण 9 विषय हिंदी, बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काव्य सत्र तुलसी के पद हम देखते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की है, वो रामचंद्र परमात्मा के परम भक्त थे, उनको ही सब कुछ मानते थे। तो देखते हैं तुलसीदास का जीवन और निधन। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1623 ईस्वी सन में हुआ था। भक्त चिंतामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांद्रा उत्तर प्रदेश माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद वेदांग इतिहास पुराण दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुक्त हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्बे रामायण, चानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहसु तथा वैराग्य संदीपनी अपनी उल्लेखनीय कृतियां हैं। और आगे देखते हैं, अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। कोने देव बराई बिर दहित, हठी हठी अतम उधारे। खग मृग ब्याग पसान बिटप जल, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पो हारे। तुलसीदास जी ने पहले पद में विनय भावना की बात बताई है। कवि कहते हैं, जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊ कहाँ मैं कहाँ जाऊँ, तजी त्याग करके चरण तुम्हारे, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित अपावन जग, काको माने किसका, नाम पतित पावन संसार में, पतित पावन नाम, जग माने संसार, काको माने किसका, इस संसार में पतित पावन नाम और किसका है।
केही अति दीन प्यारे। केही माने किसे, किसको। दीन माने दुखी, दरिद्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है। प्यारे, प्रिय होना। कौने देव बराई बीर दहित, हटी हटी अधम उधारे। कौने, किसने, बराई बड़प्पन, बीरद नाम बड़ाई, यश अधम पापी दुष्ट नीच निष्कृष्ट। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके सिवा अन्य किसी देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। खग मृग व्याघ पाषाण विटप जड़, पक्षी मृग व्याघ पाषाण पत्थर जड़ वृक्ष यवन को किस देवता ने तारा है। देवता राक्षस मुनि नाग मनुष्य ये सब माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सब माया विवश विचारे, सभी माया से वशीभूत हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनों पे हारे। और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। कहाँ अपनों को हारे, इनसे लाभ जो कोई है नहीं, तो अपनापन जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। खग, खग माने जटायु नाम का पक्षी। रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ। राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उसने प्राण छोड़े, तो भगवान राम ने इसका भी उद्धार किया। मृग मारिच, जिसको मारिच कहते, एक राक्षस जो तारका राक्षसी का पुत्र था, रावण का अनुचर था, वह सुवर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। सीता माता को जो मृग सुवर्ण मृग देखा तो वही वो मारिच था, तो उसका भी उद्धार उन्होंने किया। व्याघ, पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीवन हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। तो वाल्मीकि रामायण जिसे हम कहते हैं, जो वाल्मीकि ऋषि जो पहले वालिया लुम्टारा के नाम से जाने जाते थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। पसाना अहल्या महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी थी और गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था और वो पत्थर बन गई थी। तो जब 14 वर्ष के वनवास के दरमियान रामचंद्र परमात्मा वहाँ निकले और उनके पैर का स्पर्श हुआ और चरणों का स्पर्श हुआ, तो उसी से वही अहिल्याबाई जीवित हुई थी। तो पसान यानी कि उनका भी उद्धार किया। बिटप यानी यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीवा नारद के शापवश गोकुल में दो अर्जुन वृक्षों के बारे में वहां जाने जाते थे, जो दोनों दो भाई थे और दो अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए वहां पर। किसी अपराध वश यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान को दोनों वृक्षों के साथ बांध दिया और उसी टाइम इन पेड़ों से बांधा गया, तो दोनों का स्पर्श भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से हुआ, तो दोनों गिर पड़े और उनका उद्धार हुआ। जवन एक यवन था,
कहा जाता है कि एक मुसलमान ने सुकूर के आघात से मरते मरते हराम शब्द कहा गया था, हराम हो राम, अनजाने में ही राम शब्द हो राम हो निकल गया और राम रामचंद्र भगवान का नाम एक बार आ गया उसकी जीवा पर, तो उच्चारण होने के बाद कारण उनका भी उद्धार हो गया, उनकी भी मुक्ति हो गई। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके चरण चरण छोड़कर और कहाँ जाऊँ, संसार में एक आप ही पतित पावन है, आप ही दीन बंधु है, पापियों का उद्धार करने वाला आप जैसा और कोई नहीं है, देवता राक्षस आदि सब माया के वशीभूत है, उनके अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, यही बात तुलसीदास जी ने पहले पद में हमें बताई है। तुलसीदास जी दूसरे पद में कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पूज हारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसमान आहत नहीं आरती हर तोसो, ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, तो ही मोहि नाते अनक अनेक मानिय जो भावे, ज्योत्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु है प्रभु, तू दयालु है और मैं दीन यानी दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, मांगने वाला हूँ, दया का पात्र हूँ। तू दानी हो भिखारी, तू दान देने वाला है और मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पात की माने पापी, तू पाप पुजहारी, पाप पुजहारी यानी पापों के समूह को हरने वाला। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पाप पुजहारी यानी कि सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मुसो, हे प्रभु आप अनाथों के नाथ हैं, तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं, मोसो महाराज हो, अनाथ कौन मोसो, अना महाराज वो अनाथ बीजो कोई नहीं, मेरा जैसा अनाथ और कोई नहीं है। मोसमान आरत नहीं आरतिहार तो सो, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। आरतिहार तोसो दुख दूर करने वाला, आरत यानी दुखी। ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, चेरो माने दास, हे प्रभु आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूं, आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, हे प्रभु आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितेश हैं आप, और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं, जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में रहना चाहता हूँ, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, शरण माने शरण। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपके और मेरे बीच अनेक संबंध हैं, आप किसी भी संबंध से मुझसे जुड़े रह सकते हैं,
आप मेरे माता पिता, गुरु मित्र आदि सब कुछ है। मैं तो किसी भी संबंध के द्वारा आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको स्वीकार हो, उस नाते से मेरे साथ आप जुड़े रहे। तुलसी जानते हैं कि जब एक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता, तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने से सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी के तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो आपको जो भाए वही नाम आप मेरे साथ रख सकते हैं। विनय पत्रिका से ये दोनों पद लिए गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तो दयालु दिन हो, उसमें भी श्री राम चंद्र परमात्मा के साथ मोहनी महत्ता बताई गई है, महानता बताई गई है। तुलसीदास जी भक्तवत्सल है, श्री राम को अत्यंत सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान राम दयालु है, इसलिए उनके साथ हमेशा जुड़े रहने का ही प्रयत्न तुलसीदास जी ने किया है। यही दोनों पदों में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि मैं चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ और आप मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहता। यही बात तुलसीदास जी ने बताई है। कुछ शब्दार्थ देखते हैं। पतित पावन, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। बड़ाई बड़प्पन, श्रेष्ठता महिमा। बिरद बड़ाई, अधम पापी दुष्ट नीच। उद्धारना उद्धार करना। दनुज राक्षस असुर। मुनि तपस्वी त्यागी। नाग सर्प। मनुज मनुष्य। अपनपो अपनापन। पातकी पापी अनाथ, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो। अशरणा असहाय। आरत दुखी। चेरो दास। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तुलसीदास के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। दूसरा प्रश्न है, भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दीन प्रिय लगते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया है? भगवान ने हट करके पक्षी मृग व्याग पाशा वृक्ष और यवन का उद्धार किया है। पांचवा चौथा प्रश्न है, माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? देवता राक्षस मुनि नाग मनुष्य ये सब माया के प्रति विवश होकर सोचते हैं। पांचवा, प्रभु दानी है तो कवि क्या है? प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। कवि पाप पूजहारी किसे कहते हैं? कवि भगवान श्री राम को पाप पूजहारी कहते हैं। विस्तार सहित उत्तर लिखिए। तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन है। वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। पक्षी मृग व्याग पाषाण वृक्ष और यवन का उद्धार करने में भी उन्होंने देर नहीं की। बाकी देवता मुनि और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है, उनसे संबंध जोड़ने का अर्थ नहीं है। श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरणों को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहते।
दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं भिखारी हूँ। प्रभु पापियों का नाश करते हैं तो उनके जैसा पापी कोई नहीं है। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी कहता है मेरे जैसा कोई बड़ा अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी कहता है कि मेरे जैसा दुखी और दुनिया में कोई नहीं। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता गुरु सुख आदि सब कुछ मानते हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं। वे भगवान से कहना चाहते हैं कि जो नाता आपको स्वीकार हो वही नाता मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उसे भगवान को एक निश्चित संबोधन से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। तो इसी प्रकार के स्वाध्याय के प्रश्न है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन अपोहारे। हे भगवान राम, देवता राक्षस मुनि हाथी वृक्ष यवन देवता आदि सब माया के वशीभूत हैं। इनमें मुझ जैसों के प्रति अपनापन नहीं हो सकता था, इसलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, इसलिए आपके सिवा में और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। दूसरा है, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आर तिहार तोसो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप ही करते हैं। मेरे जैसा कोई और अनाथ नहीं है, इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। अपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारता रहूँगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार समानार्थी शब्द हम देखते हैं, अधम नीच, धनुज राक्षस, मनुज मनुष्य, पातकी पापी, आरत दुखी, चेरो दास। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर, पापोद्धारक, जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, अनाथ। तो इसी प्रकार स्वाध्याय के प्रश्न हमने बताए हैं। आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन कोर्स में नहीं है तो अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जय स्वामी नारायण।